एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों आज का जो क्लास होगा इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग केमिस्ट्री जो कि क्लास 12 के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उसका एक सीरीज आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है सो आपको टोटल हम लगभग 10 सेट आपको उपलब्ध करवाएंगे और ये जो है सो उसका पहला सेट होने वाला है। तो आप लोग जो है अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं पूरा चैप्टर वाइज तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का जो क्लास है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न का बात करेंगे तो यहाँ पे है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। दोस्तों ये जो आज क्लास हम लोग कर रहे हैं सेट नंबर 1 ये आपका जो पहला नंबर चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठीक है उससे हमने जो है सो सारे क्वेश्चंस को लिया है ठीक है सॉलिड स्टेट। तो चलिए दोस्तों पहला नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आण्विक, ऑप्शन बी है आयनिक और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धात्विक और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है सहसंयोजक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आप जो है सो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है सो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं और चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो की है धात्विक यानी कि जो ठोस विद्युत चालक होता है आघात वर्धनीय और तन्य होता है ये कैसा होता है धात्विक होता है। इसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बताना है कि ये ग्रेफाइट क्या है ये आपको बताना है ठीक है। पहला ऑप्शन है आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है या फिर इनमें से कोई नहीं, नन यहाँ पे दिया गया है तो आपको बताना है तीनों में से सही आंसर कौन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेफाइट है ये आपका सहसंयोजी ठोस होगा ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो सी यहाँ पे ऑप्शन होगा ये वाला ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं जो की है निम्न में से कौन सा सहसंयोजी क्रिस्टल है। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन एक जो है सहसंयोजी क्रिस्टल हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है रॉक साल्ट, जो सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है ये है बल्क, थर्ड है यहाँ पे क्वार्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है शुष्क बल्क। तो इनमें से बताना है कि कौन है जो कि सहसंयोजी क्रिस्टल है। तो आपको यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा सी नंबर जो की आपका है क्वार्ट्ज। ये क्या है यह जो है एक सहसंयोजी क्रिस्टल हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि दिया गया है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। पूछा है कि जो सोडियम क्लोराइड है ये क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल का संरचना है। तो पहला है यहाँ पे फलक केंद्रित घनीय, बी है यहाँ पे मोनोक्लिनिक ठीक है, सी है ऑर्थोरोम्बिक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा। यहाँ पे दोस्तों आपका सही होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए जो की हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर जो प्रश्न है ये पूछा है कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक के बारे में पूछा है कि प्लास्टिक क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 4 जो कि है पहला देख सकते हैं आयनिक ठोस, ऑप्शन बी है धात्विक ठोस, सी ऑप्शन है सहसंयोजी ठोस और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं नन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक ये भी नहीं होगा, धात्विक ठोस भी नहीं होगा, सहसंयोजी ठोस भी नहीं होगा यानी कि इनमें से कोई नहीं ठीक है। तो आपका नन यहाँ पे सही होगा इनमें से कोई भी नहीं ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं जो कि दिया गया है Fe3O4 क्रिस्टल है। Fe3O4 क्रिस्टल है कैसा क्रिस्टल है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है पत्ती चुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है लौह चुंबकीय, इसके बाद जो सी ऑप्शन दिया गया ये है अनुचुंबकीय और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपका सही हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे लौह चुंबकीय। तो लौह चुंबक ये वाला पे आपको जो है टिक लगा देना है, ये वाला आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूरा हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे तो 6 के आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है फलता केंद्रित घनीय जालक में एक एकल कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि फलता केंद्रित घनीय जालक में एक एकल कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। कितना होता है परमाणुओं की संख्या, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन दिया गया है 4, ऑप्शन डी दिया गया है 5। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिया गया है 4। तो ये वाला सही होगा, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का जो प्रभाव होता है वो कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन देख सकते हैं π/4 है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो है π/6, ऑप्शन सी दिया गया है π/3√2, ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है π/4√2। तो यहाँ पे सही क्या होगा, सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका π/6, ठीक है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है π/6, ये वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं शॉटकी दोष यहाँ पे दिया गया, शॉटकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं यहाँ पे परिभाषित करता है। पूछा है कि जो शॉटकी दोष है ये किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है, गैस की, प्लाज्मा की, द्रव्य की या फिर ठोस की, किसकी करती है यहाँ पे, किसकी जो है सो शॉटकी दोष है ये किसके जालक की अपूर्णताएं को परिभाषित करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया गया है ठोस की, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा ठोस की, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि दिया गया है फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अपरिवर्तित, ठीक है। फ्रेंकल दोष के वजह से जो आयनिक क्रिस्टल है इसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका सी नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन है ये सही होगा, इसमें देख सकते हैं अपरिवर्तित दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एससी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सेट नंबर 1 को कवर किया, जो कि केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, और ये जो है सो लगातार आपको 10 दिनों तक इसमें वीडियो मिलेगा, 10 सेट लगभग इसका हम लोग कम्प्लीट करेंगे और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।